गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस वहाँ पर घी बन रहा है, वहाँ दूध उबल रहा है, यहाँ पर मशीन लग रही है और यहाँ पर पहले पीयूष भेलपुरी बना रहा है और धूप भी खूब अच्छी आ रही है। गाइस सोच रहा हूँ परात में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि गाइस हमारे घर में सारे भगोने में देखो, एक भगोना ये पड़ा सिंक में, एक भगोना ये रहा, एक भगोना ये रहा और एक भगोना ये रहा, भगोने सारे घिरे हुए हैं, इसलिए पीयूष को परात में बनानी पड़ रही है। और पलक को ज्यादा खानी थी इसलिए हमने पलक की नहीं बनाई, अपने माँ बेटों की बनाई है, क्योंकि पलक कह रही है पूरा भगोना भर के, तो हमने कह दी कैंसिल, हम माँ बेटे खाएंगे क्या कटोरी वो खा लेंगे। गाइस मैं स्कूल से आ चुका था, अब मैं जा रहा हूँ आज, क्योंकि मेरे ट्यूशन की छुट्टी है। तो मम्मी ने बोला जाके एक बड़ी लहसुन लिया और अपनी पैंट लिया, मैंने पैंट दे रखी थी, मेरी पैंट का पता नहीं हुक को क्या हो गया, हुक की खराब हुआ हो गया था, तो मैंने पैंट भी दे दी। अब मैं पैंट लेके आता हूँ और लहसुन लेके आता हूँ, फिर घर में आते हैं। तो वैसे मैं जा रहा हूँ स्कूटी से, क्योंकि पैंट इतनी भी दूर नहीं है। हाँ दूर है, दूर है, दूर ही मान लो। पेंट दूर है इसलिए मैं स्कूटी से जा रहा हूँ, और लहसुन वाली आंटी तो पास में ही है, मतलब जो सब्जी बेचती है उनसे लेके भी आ जाएंगे अपन, थोड़ा फिर से चलते हैं। गाइस जिन आंटी को हमने मैंने पैंट दी थी, मैं उनके घर पहुंच चुका हूँ, मैं बेल बजा देता हूँ फटाफट से और फिर अपन चलते हैं अपने घर पैंट लेके। उससे पहले हमें लहसुन लेना है, ठीक है, फटाफट से ये बजा दी मैंने बेल। अब दीदी या फिर आंटी आएंगी, उनको बोलूँगा दीदी पैंट, मैंने पैंट ले ली है। गाइस मैंने पैंट ले ली है आंटी से, अब मैं इसको इसके डिब्बी के अंदर रख देता हूँ और अब सीधा चलते हैं लहसुन लेने। गाइस मैंने लहसुन ले लिया है, सारे आ गए और पंजे लग रहे हैं भाई। चल तू जो, मैं अपने घर लेके चलता हूँ, चल बड़े हो गए तुम, अब उतर जा भाई, घर जाना हो। हाँ 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 उतर जाओ, कितने प्यारे हैं यार ये, हेलो हेलो मिला रहे हैं। मट्टी बच गई, तुम्हारे भाई ने सारा सामान ले लिया है, अब तुम्हारा भाई जा रहा है ऊपर फ्लोर पे, पर तुम्हारे भाई ने ये सॉस ले ली, रेड चिली सॉस। पहले उसने मुझे 60 वाली दिखाई तो मैंने 60 वाली मना कर दी, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था मैं 60 वाली लेऊंगा। फिर मैं गया एक पे मोमो कर चटनी लेने, वो कह रहा भाई लहसुन महंगे हो रहे हैं, 10 रुपये की दो दूंगा। मैंने बोला ये काम नहीं करने भाई, हमें महंगी चीज़ मतलब सस्ती चीज़ 10 रुपये की ऐसी 5 खरीद लें 10 खरीद लें, वो मुझे दो देना है, नहीं ये नहीं। तो मैं 40 रुपए वाली लिया है, बहुत तीखी, कह रहे थे ये उससे भी ज्यादा तीखी है 60 रुपए वाली से। सारा सामान लिया है, मम्मी को दे देता हूँ। देख रहे थे जाके सब लिया है, ये मम्मी 40 रुपए की मिली ये, क्योंकि लहसुन इतना महंगा हो गया है। मैं मोमोस वाले से पूछा, वो कह रहा 600 रुपए की, 600 रुपए किलो चल रहा है लहसुन, 10 रुपए की दो दूंगा। तो एक ने बोला 60, ए फिर मैंने 40 नहीं, ये 10 रुपए की दो चटनी दूंगा। तो फिर उसने निकाली ये 40 वाली, कह रहा 60 वाली भी 40, कह रहा 40 वाली ज्यादा थी, ये तो 40 वाली लिया है। ठीक है, दो लहसुन होते हैं इसमें डाल लेंगे, कम दिए ना लहसुन 500 या फिर 50 ग्राम से कुछ भी है, 50 तो नहीं होंगे, 500 ग्राम लो, पैसे तो आपके पास आधे से ज्यादा ही बच गए। सो गाइस मम्मी और मैं आए हैं छत पे प्लांट्स लगाने, जो हमारी चाची आई थी अभी बीच में, वो प्लांट्स दे के गई थी, इसके अंदर है वो भी हम लगाते हैं, देखो इसके अंदर है, अभी हम ये सारे प्लांट्स लगाते हैं। मम्मी कह रही एक टमाटर का हटेगा, एक ये हटेगा, ये दोनों हटाएंगे मम्मी, मम्मी ने हटा दी। ये तुलसी है, पीछे में पानी डाल पहले। तुलसी कैसे गई? एक तो तूने मेरे पटाखे भर रखे हैं मेंटल थिंग का। देखिए कोई और चीज गाइस, देखो पटाखे भर रखे हम, वो रहा डाल देंगे एक मिनट रुको, मैं मिट्टी कर रहा है, नहीं नहीं कर रही इसकी मिट्टी,
इसकी मिट्टी गीली करनी पड़ेगी। देखो ऐसे कुछ प्लांट्स हैं और हम मम्मी और मैं छत पे ज़्यादा ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाएंगे क्योंकि मंदिर में डेली शाम को भजन चलते हैं, इसलिए हम ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाएंगे। बस यही दिखा रहा था, यही ये दो प्लांट है और वो रहे, वो मुझे नहीं पता कैसे लगेंगे, वो मम्मी लगाएंगी। बाय। देखो यहाँ पे हमने प्लांट लगा दिए, ये वाला भी और यहाँ पे मम्मी। नीचे चलते और आज खाने में बन रहा है मेरा फेवरेट, मम्मी बता देंगी क्या बन रहा है। चावल कौन सा चावल बन रहा है? चावल बन रहा है गाइस दाल चावल बन रहा है गाइस, दाल चावल गाइस मैं बहुत खाता हूँ, मेरा फेवरेट है गाइस दाल चावल। मेंटल लगे कतई कतई बढ़िया बन रहा है भाई, बैठ जाओ उस पे जल्दी बन जाएगा। हाँ बैठ जाओ फिर जल्दी बन जाएगा। हाँ बैठ जा। देखो दीदी आज पढ़ाई कर रही है और मम्मी बजा रही है बर्तन, सिर्फ आज और मैंने दाल चावल भी खा लिए 3 बारी। नजर मत लगाना। नो 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 गाइस, आज मैंने बालों में तेल लगाया था पर थोड़ा कम लगाया था, इसलिए आज मेरे ना बाल एकदम तेल में दिखे नहीं रहे होंगे आपको इतने। मैं डेली तेल लगाता हूँ पर आज कम लगाया, देखो। नहीं मेरी बहन की तू ऊपर चली जा क्योंकि अब ना गाने बंद हो गए हैं क्योंकि ये लोग मुझे गालों से भगाते हैं। चलो आपके पास चलते हैं, क्योंकि हम इसे घर में रखना नहीं चाहते इसलिए हम इसे बहाना कर करके इसे भगाते रहते हैं, पर ये जाता ही नहीं क्योंकि ये घर मेरे नाम हो रखा है इसलिए। ना गाइस आपको मेरी क्रॉक्स कैसी लगी? अच्छी लगी। इन्हें ऐसे करके भी पहन सकते हो तो सभी को पता है, पर मैं ऐसे करके पहनता हूँ, जैसे मर्जी करके पहनो, पहननी तो है। एंड गाइस आपको पता है आज मेरी ट्यूशन की भी छुट्टी थी, वो मुझे नहीं पता मैम ने छुट्टी क्यों की पर थी, और अंधेरा हो चुका है गाइस देखो। लाइट जला लेते हैं आप लोगों के लिए। चलो आगे चलते हैं आप लोगों के लिए। गाइस देखो उस घर में लाइट लग रखी है, गली में बच्चे खेल रहे हैं गाइस, वहां से वाइट का पिल्ला भी भाग के गया अभी। एंड गाइस आपको एक चीज बताऊं, चूहिया ना पिंजरे में नहीं आई पर घर में से चली गई, शायद से मेन डोर खोल लेते तब चली गई, है ना मम्मी? शायद से तभी चली गई, मेन डोर खुल लो तब गई होगी या फिर कभी दिख नहीं रही और नहीं है घर में, हमने हर जगह छोड़ दी। क्या परेशान भी कितना करा उसने, कभी उस कमरे में कभी उस कमरे, रात में कुछ 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 रहती है। और आज मम्मी ने निकाला था घी, कहाँ पे है मम्मी? इसमें गाइस दिखाते हैं आपको, आधा किलो से ऊपर है। कितने दिन की मलाई का? 15 दिन की मलाई का। वैसे सच बताएं गाइस हमारे घर में ना और भी घी निकल सकता है पर हम मलाई ना खाएं क्योंकि मैं मलाई खा लेता हूँ, मम्मी सुबह सुबह खाता है झूठा, वरना रात को दूध लेता हूँ तो खा लेता हूँ, कभी कभार खाता हूँ। पापा तो खाते हैं, कभी कभार नहीं खाते। 15 दिन की मलाई थी जब इतना निकल गया, थोड़ा होता तो नहीं करता। आजकल मैं ना इस टेबल पे डेली रात को स्टडी करता हूँ, इसको यहाँ पे रख के अपने बिस्तर पर 1 मिनट, इसको खोल कर पूरा इसको रख कर इसके ऊपर नोटबुक्स रख कर फिर मैं पूरी पढ़ाई करता हूँ। अब इसको रख देते हैं, आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने दिखाया था। बोलो थैंक यू, वेलकम, योर मोस्ट वेलकम गाइस। और कुछ हो गया ना मेरी मम्मी मुझे तोड़ देंगी, प्यार से रख दो इसे। सुबह इसके पापा ये अंगूर ले जाते थे और मैंने ले जाने नहीं दी, उनके हाथ में से छीन लिए। क्यों छीन लिए? इसकी वजह से। लाइट जलाऊं ये पता क्यों है ना, ये कल जबरदस्ती मेरे से मैंने कहा था खाए तो लेना, ये मुझसे बोला मम्मी मेरे को अंगूर दिला दो, मैंने इसे दिला दिया फिर इसने खाई। गाइस मुझे पापा आ गए ना तो पता मेरे को सुनाने में कसर नहीं छोड़ेंगे कि बेटे की वजह से मेरे को अंगूर नहीं दिया। अरे यार मैं खा तो लूं, मुझे खाने का मौका ही नहीं मिल रहा, मेरी मम्मी खा जा रही है बार बार, मैं जाऊँ मेरी मम्मी हाथ में मार दे, मेरी मम्मी उठा के खा जाए, मेरी मम्मी कह रही तू नहीं खाएगा मैं अपने लिए लाई हूँ। इतना बड़ा झूठा मैंने दुनिया में नहीं देखा, इतना बड़ा झूठा, इतने बड़े बड़े झूठे आज तक देखे नहीं मैंने। इससे ना जब से स्कूल से आया जब से कह रही हूँ अंगूर खा ले अंगूर खा ले, मैं उधर रसोई में अंगूर मत खाइयो मैं खाऊंगी, और मैं उधर जाती हूँ रसोई में
चार दाने खा के आ जाती हूँ, फिर जाती हूँ चार दाने खा के, क्योंकि मुझे डर लग रहा है वो आ गए ना, उन्होंने देख लिया ना तो यूं कहेंगे मेरे को नहीं दी अपने बेटे के लिए बचा रही, अभी खत्म कर देते, अभी खत्म कर देते, आपने बोला। और ये झूठे से पूछ लो गाइस, आपके लिए कल सरप्राइज है। और पलक अब जा रही है क्या खाने, भेल पूरी। चावल दाल बन चुके हैं पर चावल दाल नहीं खाएंगी, दाल चावल क्यों खा रही है, दाल चावल चुप चुप, क्योंकि पीयूष और मैंने भेलपूरी बना के खाई थी, इसलिए अब इन दोनों की लड़ाई। ने अपनी बहन के 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को एक चांटा मारा, इसकी क्या सजा होनी चाहिए, कोई भी कमेंट्स में बोल सकता है। सजा दो बिग बॉस, बिग बॉस मुझे ठूस, इसको सजा दो, देखो मैंने दे दी ना सजा, बच गया फंटार। वो बनाने गई है भेलपूरी, क्यों बनाने गई, क्योंकि पीयूष और मैंने खा ली तो उसको चाहिए थी भगोनी भर के, वो हमने दी नहीं, अब वो इतनी सी तो खाएगी नहीं, इतना खाएगी यार इसके ऊपर क्या कमेंट लगा दिया यार, हट ही नहीं रहा नहीं। और ये ना आज मेरे बिस्तरों पे ये चटनी बिखेर के जब तक चैन नहीं ले लेगा ये ना, इसको ये फेंक दो, ये लाया है ना इसको ये फेंक दूंगी अब। विंग्स विंग्स इक्विपमेंट, ये चटनी मेरे बिस्तरों पे बिखेरेगा जब से दूध वाला आ गया, दूध वाला आ गया, जाओ लेके देखो भेलपूरी क्यों पहन रही हो, उतारो लेने, देखो भेलपूरी कैसे डाली जाती है आप भी सीख लो, वन कटोरी पैर पे चढ़ रहा है, एक कटोरी डाल चुकी है मम्मा, नहीं खत्म हो जाएगी, दूध ले जा, लाने जा रहा है दूध लाने, दूध लिया दूध, ये है ना बहुत नौटंकी है, दिख गई ना बगुना देख लो, और डल रही है अभी तो बगुना, यार मम्मी मत करो, दाल चावल खा ले, दाल चावल बन चुके हैं, मत इतना, ये मेरा घर का राशन निपटाने में लगे रहते हैं औलाद, आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं क्या, ये मेरा घर का राशन निपटा रही है बैठी बैठी, बता बस ना बस पलक, अब मान जा निपट जाएगी बता रही हूँ बस, फिर कभी नहीं लाऊंगी देख ले, फिर लाना बंद कर दूंगी, पहले भी कर दिया था इसलिए बंद, कैमरा बंद करो, नहीं करूंगी आज मैं दिखाऊंगी ना सबको तो कितनी खाती है, बंद कर दे, तीसरी कटोरी है तीसरी, अब मैं किसी हालत में नहीं मंगाऊंगी कुछ भी और कभी नहीं लेके आऊंगी, एक कटोरी कम कर देनी इसमें से, एक कटोरी कम कर दे, नहीं करूंगी, कितनी है, एक कटोरी कम कर। आपके बच्चे ताकत की चीजें खाते हैं या नहीं खाते गाइस मुझे कमेंट में बताओ, मेरे बच्चे ना कमेंट में कुछ खाते हैं, कमेंट खाते हैं, मेरे बच्चे कोई भी ताकत की चीज नहीं खाते, इन्हें मोमोज खिला लो, भेलपूरी खिला लो, और गाइस मैंने लड्डू बनाए, वो लड्डू इन्होंने बस पीयूष खा रहा था दो चार दिन खाए और उसने नहीं खाया, वो कह रहा था बना दूंगी ना तो मैं खा लूंगा, और इसके पापा और मैं कभी कभार इसके पापा एक लड्डू कभी कभार बस डेली, और मैंने ज्यादा नहीं बस आधा किलो के ही लड्डू बनाए थे जब ये हाल है हमारे घर में, अब अगर मैं 2-3 किलो के लड्डू बनाती तो मेरे घर में क्या हाल होता, और जब से इसको ये था लड्डू की निमरारी, लड्डू की निमरारी, लड्डू बनाओ मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, और ताकत की चीजें नहीं खाते ना केला ना दूध, दूध मेरे घर में 2.5 किलो दूध आता है और ऐसे कैसे धरा रहता है, दोनों बच्चे दूध के मामले में रोते हुए, और उसमें से अगर जरा सी इतनी सी भी मलाई आ जाए ना तो उसको गिलास में ऐसे साइड में करके रख जाते हैं, जो इसके पापा मुझे को डेली चिल्लाते हैं कि मलाई को भी साइड कर देते हैं, क्या देती है इनको, अभी भेलपूरी दे दो, मोमोज दे दो, बर्गर दे दो, टिक्की दे दो, गोलगप्पे दे दो, और क्या दे दो आजकल एक चीज और खाने सीखे, डोसा, उत्पमा, उत्पमा, उत्पम, 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 अप्पे, अप्पे, चौमिन, चौमिन, बर्गर, बर्गर, मोमोस, सारी मतलब बाहर की चीज खाने में तो फर्स्ट नंबर भल्ले पापड़ी, और घर की चीज खाने में 0 नंबर 0, वैसे 0 डबल 0 आ जाएगी, और उसके आगे 1 भी आ जाएगा, नहीं आएगा 0 ही आएगी, क्योंकि बाहर की चीजें तो तुम्हें इतनी पसंद है पीछे, और दूध पीता रहता है, मैंने कहा एक गिलास सुबह एक गिलास शाम दूध ले लिया, अब तो 2.5 किलो बांध रखा है, वो होता है दूध पीता, दे देखो घुसंड मारूंगी, बताओ पापा गए सबूत रखते अगर ये भूखा रह लिया ना तो दुनिया भूखी हो जाएगी, फिर तो मैं सीढ़ी से आया हूँ दूध लेकर, बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरे पे, 3 बार बोल चुका और गया भी सीढ़ी से ही हूँ, बहुत बड़ा एहसान कर दिया जी ने, आने में क्या बड़ी बात हो गई, खुद से तो आया जाता नहीं जब लाइट चली जाती है, तो मैं क्यों भगवान जब मेरे घर में लिफ्ट लग रही है तो मैं क्यों यूज करूँ जी ना, जब लाइट नहीं रहती तो करती हूँ, इसको तो आदत है, अब ये चटनी है ना देख लो फिर दोबारा इसी में लग गया, अब ये चटनी मैं गायब करूंगी, ये तक मारेगा नहीं, देगा नहीं देगा, दे दूंगा, दे दे, अरे खोलूंगा मैं, खोल रही हूँ ना मैं, खोलो ढक्कन दे, देखो छुपाने के लिए लेके आई है और मैं इन्हीं के पीछे हूँ, अभी पता चल जाएगी कहाँ पे छुपा रही है, छुपाओ पॉकेट में डाल ली होगी, और नहीं दिखाओ ये तरी,
यार पहले इसको खोल दो, जीप पे लगा ना, जीप पे दर्द नहीं होता। ले लगा गाइस, इनने मुझे हाम पहुंचाया है। ये फिर तो बोल कैसे रहा है हाम पहुंचाया तो बता ना। अब डब्बा चब्बा जब्बा, मम्मी ने पर बचपन में मेरे गरम चिमटा लगा रखा जीप पे। ओ जब तो तू तोतला है ना यार। दो यार झूठ बोलते ना, खा जाओ मम्मी कसम नहीं लगाया, भगवान कसम बहुत झूठी यार। दो यार खोलनी है, मान जा रहा क्यों खोल रहा है, खोलनी है चिमटे से मार दू क्या हकीकत वही। खोलनी है तेरी क्लास के बच्चे भी ऐसे करते क्या, जैसे को तंग करता है। अरे खोलनी है मुझे वो। यार दे दो यार, पीयूष मान जा बता रही हूँ प्यार से। दो यार मम्मी मत करो छेड़। यार दे दो यार मम्मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दो प्लीज खोलनी है। खेलने के लिए आया था किसको, खोलने के लिए खोलने के लिए खोल रहा है, टेस्ट करनी कितनी तीखी है, टेस्ट करनी कितनी तीखी। अब डस्टबिन में डाल दूं उसको, 40 रुपए मेरे बर्बाद नहीं हुए। जितना हवाबाज में है ना कुछ भी नहीं, तू घर में तेरे को हैसियत नहीं है, हैसियत फिर होती है तेरे में कुछ भी नहीं है। तभी तो जब कोई सामान मांगना होता है, बेटा तेरी बहन बिल्कुल काम नहीं करती, क्या तू मेरे लिए स्कूटी दे दूंगी, जाके वो ले आएगा, ये ले आएगा, क्यों ले आएगा नीला रहा, स्कूटी दे दूंगी, छूटा खा जाओ मम्मी को, समाज के बाद काम नहीं कराऊंगी। क्यों कसम क्यों खा जाओ, तू इस घर में रहता नहीं, काम नहीं करेगा। फिर वो क्यों नहीं करती, वो नहीं करेगी। फिर देखो ये इसको बोला कि मैं तेरी नहीं बनाऊंगा, और इसकी मैं से खा रहा, इतना बेईमान है। और जबकि मैंने चखाई तो तूने नहीं चखाई थी, जो झूठ बोल रहा है। बनाई तो तूने थी तो चखाई तो मैंने थी ना अपने में से, इतना नींबू वो तो तूने भी दोनों नींबू डाले थे, इतना खट्टा खाते हैं दोनों बहन, दोनों क्या तीनों ही खाते हैं, पापा भी तुम्हारे खूब खट्टा खाते हैं, डेढ़ नींबू डाले इतनी, दांत गल जाएंगे जब सही रहेगा ना, तो पोपले हो जाओगे, पोपले पोप पोप करते बोलोगे, इतना खट्टा खाने के बाद ना। आपने भी मिर्च बहुत तेज गिर रखी थी और नींबू भी दो गिरे थे जरा सी में, बातें बनाता है खुद भी तो कर लेता है। और देखो लड़ाई, दोनों की लड़ाई चालू है, दोनों की लड़ाई चालू है, क्या कर सकते हैं, दिखाने के पीछे लड़ाई कर रहे हैं जैसे कभी मिलता ना हो, क्या कर सकते हैं। यहाँ मेरा दूध उबल रहा है, मुझे तो इधर आना पड़ा और वो दोनों लड़ाई करते हुए छोड़ आई हूँ, अंदर बहस चल रही है दोनों की, मुझे दो थोड़ा सा मुझे दो, वो तो बहुत बेईमान है, थोड़ा थोड़ा करके मांगता रहता है, लड़ाई हो गई इन दोनों में। सो गाइस आज का ब्लॉग इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय। कपड़े नहीं बदले।